हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। आज यहाँ पे आपको लगभग 1.23% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप देखोगे इस कंपनी को, तो कंपनी ने अब पिछले एक साल से यहाँ पे बहुत अच्छा किया है। और हाल ही में कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट भी आए हैं, काफ़ी शानदार। कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट दिए, 11 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। और हाल ही में कंपनी ने जो अपना नमक है वो लॉन्च किया था रॉक साल्ट करके। और उससे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, एथेनॉल से रिलेटेड कंपनी का एक प्रोजेक्ट था, उसका भी अनाउंसमेंट हुआ था। तो काफ़ी कुछ गतिविधियाँ यहाँ पे कंपनी के अंदर चल रही है। और अगर हम लेटेस्ट अपडेट देखें तो स्टॉक ASM लिस्ट की स्टेज वन में है। 52 वीक हाई देखोगे तो लगभग 19.55 है। और स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। और उसके बाद स्टॉक ने हाल ही में यहाँ पर बोनस शेयर भी दिए थे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, ROE 38.28 का है, तो ROE भी कंपनी का काफ़ी सुधरा है। फूड सेक्टर की एक कंपनी है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो 27 जो पॉजिटिव पॉइंट है वो कंपनी के पक्ष में चल रहे हैं। शेयर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पे लगभग 49.28% के आसपास जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो प्रमोटर ने बना के रखी है। और यहाँ पे कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, और 49.28% है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। और आज की डिलीवरी अगर आप देखोगे अभी तक लगभग 9:50 तक, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो आज के दिन 7,30,000 और डिलीवर हुई है 6,40,000, जो रेशियो है 87.64। मतलब एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आज स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ कंपनी परफॉर्म कर रही है, चाहे डेप्ट को लेकर हो, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, अच्छा प्रॉफिट दे रही है, और अच्छा डिविडेंड भी यहाँ पर कंपनी दे रही है, और अपना रिजर्व भी है वो कंपनी बढ़ा रही है। तो इन सब को देखते हुए आपको इस स्टॉक में बहुत जल्दी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अच्छा खासा स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है 50% के आसपास। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने के अंदर 50% के आसपास यहाँ करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो आप इस स्टॉक पर अब बिल्कुल नज़र रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास है तो आप इसको भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट कंपनी के काफ़ी शानदार रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो आने वाले क्वार्टर्स के जो रिजल्ट है अगर वो भी अच्छे आते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक अच्छा खासा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो आप स्टॉक को बाय सेल और होल्ड करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर मिल लें। धन्यवाद।